सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य राज और आप देख रहे हैं हाईटेक कम्युनिटी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सभी लोगों को तो पता ही होगा, इंडिया में कुछ समय पहले यानी कि कुछ महीने पहले यहाँ पे पबजी मोबाइल जो गेम था वो बैन हुआ था, क्योंकि वो चाइनीज़ गेम थी, चाइनीज़ की जो कंपनी थी वो उस गेम को बनाई थी, तो इसीलिए दोस्तों वो जो गेम है वो बैन हुआ था। लेकिन अब गैस यहाँ पर फ्री फायर भी बैन होने वाला है यहाँ पर बांग्लादेश में। लेकिन गैस इसका रीज़न ये नहीं है कि वो एक चाइनीज़ गेम थी, क्योंकि वो एक चाइनीज़ गेम बिल्कुल भी नहीं थी, चाइनीज़ का उसका कोई संबंध नहीं था। लेकिन दोस्तों गेम बैन क्यों हो रहा है यही मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। और यहां पे दोस्तों मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि वहां पे बैन होने के बाद गेम वहां पे आप वीपीएन से भी अगर आप खेलना चाहो फिर भी आप उस गेम को नहीं खेल पाओगे। ऐसा दोस्तों क्यों होता है, क्यों हो रहा है, सब कुछ आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो यहां पे दोस्तों मैं आपको बता दूं, फ्री फायर और पबजी मोबाइल दोनों ही गेम्स दोस्तों यहां पे बांग्लादेश में कुछ दिनों बाद बैन होने वाला है। ऐसा दोस्तों यहां पे न्यूज आर्टिकल्स वगैरह निकल के आ रही है, रिपब्लिक, भारत, स्पोर्ट, क्रीडा, ऐसा काफी सारे यहां पे जो बड़ी बड़ी न्यूज आर्टिकल चैनल यहाँ पे वेबसाइट्स वगैरह हैं सभी ने यहाँ पे पब्लिश किया है कि बांग्लादेश में आने वाले कुछ समय में पबजी मोबाइल और फ्री फायर दोनों ही गेम्स बैन होने वाली है। अब दोस्तों इसका रीज़न ये है कि दोस्तों गवर्नमेंट ने रीज़न ये बताया कि दोस्तों ये जो गेम है ये काफ़ी ज़्यादा एडिक्टेड गेम है और इसको लोग काफ़ी ज़्यादा समय तक खेलते रहते हैं। अब दोस्तों ये तो मैं मानता हूँ कि लोग काफ़ी ज़्यादा समय तक खेलते, मतलब कुछ लोग को छोड़ के काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो 12-12, 13-13 घंटे इस गेम को खेलते हैं। अगर दोस्तों 2-3 घंटे खेलते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि 12-12 घंटे खेलते हैं। अब दोस्तों इसका मतलब ये थोड़ी ना है यार कि गेम को बैन कर दोगे। अब इसके भी काफी सारे रास्ते हैं कि जैसे कि उसको एक टाइम लिमिट आप सेट कर सकते हो, यहां पे गरेना वाले चाहे तो उसको सेट कर सकते हैं। अब आगे चल के देखना होगा कि गरेना वाले क्या इसके लिए करते हैं, कि इसके लिए टाइम लिमिट वगैरह सेट करते हैं या फिर क्या होता है। लेकिन दोस्तों यहां पे गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया कि आने वाले कुछ समय में ये जो गेम है फ्री फायर और पबजी मोबाइल, यहाँ पे एक गेम नहीं दोस्तों, ये दोनों ही जो मोस्ट पॉपुलर गेम्स हैं ये दोनों ही बैन होने वाले हैं। और यहाँ पे अगर मैं अपना ओपिनियन शेयर करूँ तो दोस्तों यहाँ पे मुझे नहीं लगता इसको बैन करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे अगर चाहे तो दोस्तों टाइम लिमिट वगैरह सेट कर सकते हैं और काफ़ी सारे गाइडलाइंस वगैरह यहाँ पे लॉन्च कर सकते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों उस गेम की इंप्रूवमेंट होगी। क्योंकि दोस्तों गेमिंग में भी और भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा फ्यूचर है यहाँ पे, मतलब फ्यूचर आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा बड़ा फ्यूचर है गेमिंग के अंदर। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर आप ऐसे ही काफ़ी देर तक खेलते रहते हो तो दोस्तों ये तो गलत हुआ ना गाइस, क्योंकि काफी देर तक तो गेम को नहीं खेलना चाहिए। लेकिन काफी सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि मजे के लिए खेलते हैं, 2-3 घंटे खेल लेते हैं दिन में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दोस्तों गवर्नमेंट ने यहां पे ये बताया है कि ये जो गेम है ये काफ़ी ज़्यादा एडिक्टेड है। और दोस्तों ये जो यंगस्टर्स हैं जो कि मतलब यहाँ पे 13 साल से लेकर 24 साल तक जो लोग हैं ये काफ़ी ज़्यादा खेल रहे हैं, और ये आने वाले जनरेशन है। इनको दोस्तों इंटरनेट हमने इसलिए प्रोवाइड किया था ताकि ये लोग कुछ कर सके, आगे चल के कुछ बड़ा कर सके। लेकिन दोस्तों ये लोग दिनों रात गेम खेल रहे, इसीलिए ये गेम जो है इसको बैन किया जा रहा है। अब इसका ओपिनियन आपका क्या ओपिनियन है वो मेरे को कमेंट करके ज़रूर से बता देना गाइस। और यहाँ पर काफ़ी सारे कमेंट्स मैंने देखा, जो न्यूज़ वाली जो वेबसाइट्स है वहाँ पर काफ़ी सारे आ रही थी कि ये तो गलत बात है, इसके लिए कोई मतलब रूल्स वगैरह सेट कर सकते हैं। और गाइस यहाँ पे एक चीज, एक कमेंट मैंने यहाँ पे पढ़ा कि एक बंदे ने ये लिखा था कि मान लीजिए आपके सिर में हेडेक हो रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना यार कि आप अपना सिर काट के फेंक दोगे। तो यहाँ पे उसका कहने का मतलब ये था कि यहाँ पे कुछ रूल्स वगैरह सेट कर सकते हैं जिसकी वजह से गेम का भी इंप्रूवमेंट होगा, लोग भी 12-12, 13-13 घंटे नहीं खेलेंगे और आने वाला जो फ्यूचर है वो भी सिक्योर हो जाएगा। दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है ज़रूर से मेरे को कमेंट करके यहाँ पे बता देना, और वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना। और आने वाले समय में अगर कोई भी न्यूज़ वगैरह निकल के आती है तो मेरे चैनल के थ्रू आपको जरूर से पता चल जाएगा। सो गाइस आज के समय बस इतना ही, मैम तो आप जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।